नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सागर की एडवाइस में। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम क्योंकि ऐसे ही बहुत से प्रकार के कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों आज का हमारा मेडिकल कंटेंट है, इस पर हम इस टैबलेट का रिव्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं अपने एक एलर्जी का अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ, जो कुछ ही दिनों बाद मेरी वीडियो आने वाली है। दोस्तों से मैं बताऊँगा आपको कि मैंने अपनी एलर्जी कैसे मिटाई, किन किन परिस्थितियों में गुजरा हूँ, कैसी मुझे इतनी खतरनाक एलर्जी थी, कैसे मैंने आयुर्वेदिक प्लस योगा और बहुत सी चीज़ें करके मैंने एलर्जी मिटाई है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, दोस्तों कुछ ही दिन का बस वेट की, मैं वो वीडियो ले आऊँगा जिससे बहुत लोग ठीक हो सकते हैं। दोस्तों मेरे बहुत से लोग ठीक भी कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना लेके। दोस्तों इस टैबलेट का नाम है टेलीकास्ट एल। जी हाँ दोस्तों इसे लुपिन कंपनी बनाती है, लुपिन फार्मा लिमिटेड कंपनी से बनाती है ये। आपको 244 रुपये की 15 गोली मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों ये मोंटिलुकार सोडियम एंड लिवोसिट्राइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है। दोस्तों इसमें दोस्तों आपको मोंटिलुकार 10 mg मिल जाएगा और लिवोसिट्राइन 5 mg मिल जाएगा। अब दोस्तों से जान लेते हैं ये ज़्यादातर यूज किस चीज़ में की जाती है। दोस्तों ये ज़्यादातर क्रॉनिक एलर्जी में यूज़ की जाती है। अगर आपको बार बार एलर्जी हो रही उन चीज़ों में दोस्तों ये डॉक्टर आपको टैबलेट लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों अस्थमा हो गया, अगर आपको सांस की नली में सूजन है या दमा है उसके लिए भी दोस्तों यूज होती है। दोस्तों अगर आपका एसनोफीलिया बार बार बढ़ रहा है तो डॉक्टर इसे आपको 2-3 महीने के लिए भी दे सकता है, जिससे आपका एसनोफीलिया कम हो जाए। कृपया ऐसे डॉक्टर की सलाह से ही लें। नाक का बहना नाक बंद। जी हाँ दोस्तों एलर्जी के कारण दोस्तों नाक जो बहती रहती है, नाक का बंद हो जाता है, उसमें भी दोस्तों ये दवाई बहुत कारगर मानी गई है। और दोस्तों नाक बंद दोस्तों होता क्या है, जो नाक की एलर्जी रहती है वो गले तक हो चले जाता है, जिसमें गले में भी एलर्जी बन जाती है। उसके लिए भी दोस्तों ये टैबलेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और डॉक्टर द्वारा यही लिखी जाती है। दोस्तों अगर आपके कान में एलर्जी बन रही हो, जैसे दोस्तों नाक की एलर्जी क्या है, कान में भी चली जाती है, उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आँखों में भी दोस्तों एलर्जी हो जाती है, क्योंकि जो अपन सर्दी जो नाक रहती है, जो अपना ईयर नोज जो थ्रॉट जो सब एक ही चीज़ से जुड़े रहते हैं दोस्तों, तो वो एलर्जी सब चीज़ों में फैल जाती है, जो कि क्रॉनिक एलर्जी बन जाते हैं। उन एलर्जी के लिए दोस्तों ये टैबलेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। इसके साइड इफेक्ट बहुत रेयर हैं दोस्तों, इसलिए डॉक्टर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे लिखते हैं, जो कि आपको लेना है। तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट ज़्यादातर है नहीं है। अगर आपको गैस टाइप या एसिड टाइप का बने तो अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं है। और दोस्तों मेरी उस वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम बहुत जल्दी आपकी एलर्जी का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, जिससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों हम एलर्जी का टेस्ट भी आपको बताएंगे हमारे ही चैनल पर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करके हमको आपकी बीमारियों के बारे में बताएँ, क्या आप ये टैबलेट खाते हैं, आपको इससे क्या क्या फ़ायदे हुए वो और बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।